सो हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं भी पहुंचा हूं रायपुर में, रायपुर में गुरु नानक चौक के पास, और यहां से भाई साहब जो आज गणेश झांकिया सिलसिला है ना वो शुरू हो चुका है। ये वाला वीडियो मैं फोन से शूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जल्दी वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो गोप्रो से डालूंगा पूरा अच्छे तरीके से, तो उसको देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं लोकेशन बता दूं, अभी मैं हूं एमजी रोड में। ये वाला जो रोड है ना इसको एमजी रोड बोलते हैं, और ये वाला जो चौक देख रहा है इसको बोलते हैं गुरु नानक चौक, राइट। तो मैं गुरु नानक चौक पे हूं, और सामने देखो भाई साहब उधर चले जाएगा आपका जयस्तम चौक, और वहां देखो क्या जबरदस्त लाइटिंग वाइटिंग अभी आना शुरू हो गया है। बाकी इस तरफ देखते हो जो रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है ना, तो इधर से भाई साहब झांकी है, धीरे धीरे बजना चालू हो चुका है साउंड बाउंड, और झांकी पूरा सेटअप हो गया है। तो चलो आप लोगों को फटाफट झांकी यहाँ दिखाता हूँ, कौन कौन सा झांकी यहाँ आया है करके। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रोड देख रहे हो ये वाला चला जाएगा स्टेशन रोड, और ये वाला जो देख रहे हो ये चला जाएगा राठौर चौक, और माहौल भाई साहब दोनों तरफ लग चुका है। तो अभी आप लोगों को दिखा रहा था मैं स्टेशन रोड वाला जो झांकी निकाला जा रहा है उधर से। अभी लेकर आया हूँ आप लोगों को मैं राठौर चौक की तरफ, और यहाँ एक से ज्यादा कई सारा झांकी है, आप लोगों को उसका एक एक बार दिखाता हूँ। तो ये सब देख लो, ये सब जो धुमाल है सेट वेट किया जा रहा है, और समय आप लोग को बताया था लगभग 8:30 के करीब हो रहा है, और यहाँ से देखो भाई साहब पूरा माहौल। तो धुमाल म्यूजिक चालू होने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये अपना राठौर चौक का गणपति जी, इनका भी दर्शन करो क्योंकि अभी ये कल तो विराजमान, कल तो इनका विसर्जन हो जाएगा, अभी आप लोग वीडियो में दर्शन कर सकते हो।
ये हो गया गाइस राठौर चौक, और यहाँ से देखते हो ये वाला साइड रामसागर परात और पूरा फुल माहौल रहेगा अभी। और उसके बाद एक जो ये रोड है जो चले था तेलघानी नाका चौक की तरफ, इधर भी भाई साहब पूरा फुल माहौल है। तो इधर आप लोग को लेके चलता हूँ, इधर का झांकी वाकी आप लोग को थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ फटाफट। ये देख लो रोड पे बैरिकेशन लगा दिया गया है ताकि कोई भी व्हीकल अंदर ना प्रवेश करे, ओनली जो पैदल लोग आएंगे जाएंगे वही सब देखेंगे बस झांकी, इसके लिए लगाया गया ये। बाकी आप लोग इस गणपति का दर्शन करो, कंतारा मूवी जो बना था ना उसी पे, तो उसी के तौर पे मतलब कुल मिला के जो गणपति जी इनको बनाया गया था, बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बाकी इधर देखो धुमाल उमाल का जो पूरा सेटिंग है वो सब कार्यक्रम चल रहा है, और थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ तो वहाँ से भाई साहब जो झांकी है वो भी निकलने वाला है। तो यहाँ से भाई साहब आप लोग ये झांकी यहाँ से निकाला जा रहा है, उसका एक बार नज़ारा देखो क्या जबरदस्त झांकी है ये। वैसे राजनगांव में भी आया था मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये वही वाला झांकी है। सामने से कुछ आप लोग का ऐसा नजर आएगा झांकी, रावण का फेस देखने को मिलेगा, और जो इसका फेस है ना आगे पीछे भाई साहब मूव भी हो रहा है, और जो सामने वाला फेस है ऊपर नीचे हो रहा है, तो देखने में एक तरफा लग रहा है। नजदीक से भाई साहब कुछ ऐसा नजर आएगा ये वाला झांकी, थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कौन सा सीन नजर आएगा। तो ये देखो ये जो मूर्ति है इसमें फेस ही नहीं है, अभी भगवान का है कि राक्षस का भी समझना मुश्किल है, आप लोग कमेंट करना। बाकी हाँ एक तरफा झांकी है दिख रहा है, और पीछे देखते हो पीछे भाई साहब हाथी का पूरा चेहरा वेरा बनाया गया है, चेहरा का पूरा हाथी बनाया गया है और हाथी भी पूरा मूव हो रहा है। और ये वाला जो देख रहे हो ना जिसमें अप्सराएं लिखा होता है ये पूरा रोटेट होता है, मैं राजनगांव में देखा था ये, जैसे सेटिंग वोटिंग हो जाएगा ना तो पूरा चारों तरफ रोटेट होगा। वो वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसको मैं गोप्रो शूट करूंगा, अभी तो बस फटाफट आप लोगों को दिखाने के चक्कर में हूं। तो पीछे आप लोग दर्शन कर लिए, चलो उस साइड से आप लोग एक बार दिखाता हूं। इस साइड से भाई साहब लोग देखते हो तो क्या जबरदस्त नजर आएगा, ये भगवान लोग हैं पहाड़ को मेरे ख्याल से उठाए हैं, और ऊपर कोई तो भगवान जी पता नहीं कोई तो है जो विराजमान है, अब लिखा नहीं तो अंदाजा नहीं लग रहा है, बाकी जिनको अंदाजा हो कमेंट करना। और पीछे आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो भाई सब पूरा का पूरा हाथी भगवान जी और अप्सराएं सब कुछ यहाँ बनाया गया है। और ये आप लोग को बता दूं तो शुरुआत है बस, ये लाइन से देखते हो तो पूरा भाई साहब लोग झांकी डीजे और धुमाल उमाल जो होता है ना पूरा सेटअप किया जा रहा है। और ये पता नहीं डीजे है या पावर जोन है, मैंने पूछा था तो किसी ने भाई ने बताया कि ये पावर जोन इसको बोलते हैं। हेलो, तो पावर जोन का भाई सब लाइट वाइट देखो आप लोग, श्री श्री विनायक गणेश। बाकी एक झांकी आप लोग यहाँ नजर आएगा, ये छत्तीसगढ़ के तौर पर बनाया गया है, ग्रीनरी को पूरा दर्शाएगा, इसमें जब लाइट वेट आएगा ना तो आप लोग अच्छे से दिखाऊंगा। लेके चलता हूँ और पीछे, और भी झांकी उधर लाइन से मुझे दिख रहा है तो वहाँ चलो आप लोग। तो हाँ जी यहाँ से पीछे देखते हो तो लाइन से पूरा झांकी आ रहा है, और ये सभी को चालू होने में ना थोड़ा सा समय है, तो आप लोगों को मैं अपडेट दे दिया कि पूरा माहौल रहने वाला है। और ये वीडियो मैं फोन से शूट किया था ताकि आप लोगों को जल्दी वीडियो मिल जाए, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में जो डालूंगा उसको पूरे शूट करूंगा और आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।